नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में दिखी राजनीति, नए प्रधान आए विवादों के घेरे में। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के जीत के कर्णधार अर्जुन मुंडा का किया गया स्वागत। विधायक साधुचरण महतो मारपीट मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गई मांग। और मिशन 2022 तक केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए किया गया मंथन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान के रूप में हरविंदर सिंह मेहंदी निर्विरोध रूप से चुन लिए गए हैं। वहीं विपक्ष के द्वारा पक्षपात का आरोप लगाते हुए आमरण अनशन की भी शुरुआत कर दी गई है। जमशेदपुर में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव विवादों के घेरे में आता नजर आ रहा है, जहाँ एक तरफ स्क्रूटनी के बाद हरविंदर सिंह मेहंदी को निर्विरोध चुनाव पदाधिकारी के द्वारा प्रधान घोषित कर दिया गया है। वहीं दो लोगों का नामांकन रद्द किए जाने के बाद पक्षपात का आरोप लगाते हुए गुरमुख सिंह मुखी के द्वारा अनशन की शुरुआत कर दी गई है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा पिछले कई महीनों से चुनावी प्रक्रिया चलाई जा रही थी, जिसमें प्रधान पद के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में थे। स्क्रूटनी के दौरान दो उम्मीदवारों का नाम काटे जाने से नाराज गुरमुख सिंह मुखे के द्वारा साक्ची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय के समक्ष अनशन की शुरुआत की गई। वहीं इस संबंध में प्रधान पद के उम्मीदवार गुरमुख सिंह मुखे ने चुनाव पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया अपनी देखरेख में करे, क्योंकि 24 अक्टूबर 2017 को ही चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। अब 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कुछ दिनों पूर्व ही 11 मार्च को मत के माध्यम से प्रधान पद का चयन करने की बात की गई थी। वहीं अब हम लोगों के द्वारा दो सेट में नामांकन किया गया था, मगर चुनाव पदाधिकारी के द्वारा हमारा नामांकन रद्द कर हरविंदर सिंह मेहंदी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिसके विरोध में हम लोगों के द्वारा अनशन की शुरुआत की गई है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा। 24/9/2017 को CGPC के प्रधान पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। उसके बाद लगभग 6 महीने तक आज कल करके चुनाव की प्रक्रिया को लटकाया गया, और अचानक 27 तारीख की रात को इन्होंने शाम को बैठक कर फैसला ले लिया कि 4 तारीख को नॉमिनेशन की जांच होगी, 5 तारीख को नामांकन वापसी का समय होगा, 11 मार्च को चुनाव होगा। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा पत्र जारी हुआ था सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय से, उसमें कहा गया था कि वोटर लिस्ट को सत्यापित कर हमें और आम सभा बुलाने की तिथि तय करने के संबंध में हमें अवगत कराया जाए। वहीं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव का कार्य देखरेख चुनाव पदाधिकारी के द्वारा नए प्रधान के रूप में हरविंदर सिंह मेहंदी का चयन निर्विरोध रूप से कर लिया गया है, जिसकी औपचारिक घोषणा 11 मार्च को की जाएगी। वहीं इस संबंध में हरविंदर सिंह मेहंदी ने कहा है कि स्क्रूटनी के बाद हमारा चयन निर्विरोध किया गया है। विपक्ष के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, प्रधान पद की गरिमा को देखते हुए मैंने अपनी तरफ से किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। इस पद पर रहकर हमारी पहली प्राथमिकता सिख समाज के लोगों को एक मंच पर लाना, इंग्लिश स्कूल की स्थापना और कमजोर लोगों की सहायता करना है। हम उनके बराबर एक कैंडिडेट थे, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। यदि वो विवाद है तो वो कन्वेनर उसका जवाब देगा। कल हुआ क्या, जब पता चला क्या उनका जो कहना है? उन्होंने हमारे स्कूटनी के लिए हमें बुलाया, हम लोग स्कूटनी में पहुंचे, बहुत अच्छे ढंग से स्कूटनी, और उसके बाद उन्होंने हमें एक एक पत्र दिया। भाई आपके लेटर से हमने पत्र देखा तो उसमें मेरे को दिखा कि भाई आप जो है निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि उनकी उसमें लिखा हुआ क्लियर कि वे जो है स्कूटनी में दोनों कैंडिडेट फेल हो गए हैं। और जैसा प्रशासन की मदद के लिए जा रहे हैं तो क्या स्टेप रहे आपको? नहीं, कल जब हम वहाँ से बाहर निकले तो गुरमुख सिंह मुखिया ने जो है हमें काफ़ी अपशब्द कहे, लेकिन हमने अपना संयम बरतते हुए बिल्कुल उसकी किसी बात को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे समर्थकों के साथ में उसने हाथापाई की, जो कि एक उचित नहीं था। और यहाँ आपको बता दें कि विधायक साधुचरण महतो द्वारा भू अर्जन पदाधिकारी दीपू कुमार के साथ हुई मारपीट की घटना में पुलिस द्वारा विधायक की गिरफ्तारी के चल रहे
प्रयासों के बीच अब मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर मांग की गई है कि वे इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएं, साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को पूरे मामले से अवगत कराकर आगे का मार्गदर्शन मांगा गया है। ऐसे में जब तक इस बाबत पार्टी का कोई विधिवत मार्गदर्शन नहीं आ जाता है तब तक विधायक गिरफ्तारी न दें, इसका आग्रह उनसे किया गया है। मालूम हो कि पिछले दिनों विधायक द्वारा एक समाचार पत्र में 5 मार्च को सामूहिक गिरफ्तारी देने की बात कही गई थी। समाचार पत्रों में आया था कि 5 तारीख को गिरफ्तारी देंगे, लेकिन हम लोग ने विधायक जी को ये कहा है कि जब तक इसकी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच नहीं हो जाती है तब तक वो गिरफ्तारी ना दें, और जांच के उपरांत जो होगा उसके ऊपर हम लोग अपना आगे का रणनीति बनाएंगे, लेकिन जब तक प्रदेश से कोई आके आगे का दिशा निर्देश नहीं आ जाता है तब तक हम लोग विधायक जी को गिरफ्तार देने के लिए हम लोग मना किए हैं। और यहाँ आपको बता दें कि त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत का जश्न जमशेदपुर में देखने को भी मिला, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भव्य रूप से स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले के द्वारा साक्षी कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का भव्य रूप से स्वागत पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने फूलमाला देकर किया। वहीं इस अवसर पर पार्टी के कई नेता मौजूद थे। लोगों की भारी भीड़ त्रिपुरा और नागालैंड में मिली जीत की खुशियां अर्जुन मुंडा के साथ बांटने के लिए व्याकुल थी। वहीं इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पार्टी के द्वारा मुझे स्टार प्रचारक के रूप में इन 2 राज्यों में भेजा गया था, जहां पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विचार और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे विकास कार्य योजनाओं को लोगों के समक्ष रखकर अपने पक्ष में मत करने की अपील की थी और लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हुआ। आज वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज है और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट मिशन 2019 में लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें पार्टी के आदेश अनुसार हम सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं। एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी त्रिपुरा के चुनाव में कुछ क्षेत्रों में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। वहाँ लोगों का आमंत्रण था, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेताओं का एवं मार्गदर्शकों का एक कार्य योजना के तहत कि आपको भी वहाँ जाना चाहिए। मैं वहाँ पर गया और कई क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद उस समय ही हमने कह दिया था कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और वो आज परिणाम जब आया देखने को मिल रहा है। अगला लक्ष्य जहां प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहीं 2019 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाए। और यहां आपको बता दें कि न्यू इंडिया मंथन के तहत पूरे देश के सभी जिलों में वर्ष 2022 तक बदलाव का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत जमशेदपुर जिला मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आधिकारिकता सामाजिक न्याय भारत सरकार के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे। मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2022 तक तय किया गया है। यह समय सीमा भारत सरकार द्वारा तय की गई है, जिसमें प्रत्येक जिलों में जो भी सरकारी योजनाएं चल रही है उसमें तेजी लाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं सिंचाई, आर्थिक नीति, सामान्य संरचना जैसे अलग अलग इकाइयों पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बैठक में जिले के उपायुक्त समेत तमाम जिले के आला अधिकारी उपस्थित थे। वहीं इस दौरान सचिव ने विभिन्न योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी ली, साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। इन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर केंद्र सरकार एक ही तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रखंड पिछड़े रह जाते हैं, जिसे दुरुस्त करने की जरूरत है। इन्होंने सभी पदाधिकारियों को अपने अपने विभाग के द्वारा चलाए जा रहे सरकारी योजनाओं में तेजी लाने तथा समय सीमा में उसे पूरे किए जाने के निर्देश दिए, ताकि जनता तक सभी सुविधाएं समय पर पहुंच सके। जो हमारे पास है बहुत संसाधन बहुत है, उनका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा और समरूप से नहीं हो रहा। कहीं कहीं जैसे आपको सरकारी शहरी की रोड साइड की स्कूल में टीचर्स भी मिल जाएंगे, बच्चे भी ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा सा रोड से हटके जाएंगे या थोड़ा सा पहाड़ी वाला इलाका होगा, बड़ा ऊंचाई पर होगा, हो सकता है वहाँ स्कूल हो, वहाँ शिक्षक जाते नहीं हों, कागज़ पर हो सकता है या उन्होंने
डेपुटेशन करा रखा हो कहीं, क्योंकि ये तो और ये चीज ऐसी है कि हर चीज संज्ञान में तो होती नहीं। ये इंडिकेटर पे आपने एग्जामिन कर लिया, आपका वर्तमान स्टेटस क्या है वो देख लिया, अब इस इंडिकेटर में आपको जहाँ वीकनेस है या तो वहाँ जानकारी का अभाव है या मोटिवेशन का अभाव है, साधन है वो बीमार है, कुछ कोई कारण होगा वो तो आप पता कर सकते हैं। और यहाँ आपको बताते चलेंगे, जमशेदपुर के बागबेड़ा वायरलेस मैदान से बागबेड़ा पुलिस ने 3 महिलाओं व 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामला धर्मांतरण से संबंधित है, जिस पर पुलिस जांच में जुट गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में थाने को सूचित किया, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा बागबेड़ा के वायरलेस मैदान में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था और उनके द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इधर विश्व हिंदू परिषद के जनार्दन पांडे ने बताया है कि भोले भाले आदिवासी भाई बहनों को पैसे का प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर इस तरह के कार्य को किया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया। वहीं बागबेड़ा थाना प्रभारी रामयश प्रसाद ने कहा कि सूचना मिलते ही उक्त स्थान पर पुलिस ने पहुंचकर 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया और पुलिस हर बिंदुओं पर गहनता से भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंगाई सभा किया जा रहा था, जिसमें धर्मांतरण किया जा रहा था, उसी में आज अपने विष्णु प्रसाद बजरंगल के कार्यकर्ता देखे तो उसका विरोध किया और विरोध के तौर पर अभी थाना ने सक्रियता रूप से दिखाया, उन लोगों को पकड़ के अंदर किया है और इस तरह का मामला जो है अन्य क्षेत्रों में भी चल रहा है। ये तो प्रकाश में आ गया, जागरूक क्षेत्र है, जहाँ पर जागरूक नहीं है लोग वहाँ पर ये धड़ल्ले से चल रहा है और अपने आदिवासी भाइयों का पैसे के लालच देकर चाहे जो डरा धमका करके धर्मांतरण किया जा रहा है। तो कितने दिनों से ये चल रहा था? ये तो 2 दिन से यहाँ चल रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में तो हमें। कहाँ के लोग हैं ये? ये एक का इंक्वायरी हुआ तो बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, और खूंटी का लेडीज जो है, 3 वेस्ट से, हाँ 3 पकड़ाई है लेडीज और 1 जेंट्स पकड़ा है। जांच का विषय है, 3 महिला और 1 जेंट्स व्यक्ति, 4 आदमी को बताया कि वायरलेस मैदान में कुछ धर्म के बारे में उनकी विशेषता को बता रहे थे, किस उद्देश्य से बता रहे थे, किस हद तक वो लोगों को सुना रहे थे, ये जांच का विषय है। और धर जमशेदपुर के टेलको क्षेत्र में पिछले दिनों वन भूमि पर वर्षों से सब्जी बेच रहे दुकानदारों को हटाया गया, इसके विरोध में इनके द्वारा झामुमो के समर्थन के साथ विशाल प्रदर्शन रैली भी निकाली गई, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों वन विभाग के अतिक्रमित जमीन को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया था। टेलको के खड़ंगा झाड़ बाजार से ये सब्जी विक्रेता वर्षों से सब्जी बेचने का कार्य करते थे, इस पर वहां काफी बवाल भी हुआ था। सोमवार को इनके द्वारा विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसका झामुमो ने भी समर्थन किया। ये रैली साक्षी के आम बगान मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस जमीन से इन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया है, वहां वैसे भी दुकान हैं जो पक्के हैं और उनके द्वारा वहां बहुमंजिले इमारत भी बनाई गई है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर केवल वहां से गरीबों को हटाया गया है। यह दोहरी मापदंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जमीन खाली कराना है तो सब पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। खड़ागजा टेलको में जो सब्जी विक्रेता वालों को यहाँ का वन भूमि वन पदाधिकारी वन विभाग की ओर से वहाँ पर उजाड़ा गया है। यहाँ पर 2 नीति चाल चला गया है, जो पूंजीपति है, उद्योगपति है, जो बड़े बड़े जिनका 2-3 ताला मंजिला मकान है, दुकान है, पक्का दुकान है, उसको छोड़ दिया गया है और जो वर्षों से करीब 20-25 वर्षों से वहाँ पर लोग रोड के किनारे सब्जी गांव से ला कर के बेचते हैं, आज वन विभाग का साठ गांठ से वो उनकी बड़े उद्योग अच्छे मकान मंजिलों को छोड़ दिया गया है, गरीब को उजाड़ा गया है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक
मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। अभी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। जीवन की खुशियों के यादगार पल आपकी उम्मीदों के सांचे में जाएं ढल। आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बेहतरीन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, बिल्कुल अनूठा, विशाल और बेहद खूबसूरत बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। शादी विवाह के शुभ अवसर हो या हो आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट गेट टुगेदर हो या फिर हैप्पी बर्थडे की सुहानी घड़ी, बनाए आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा, एक एक लम्हा बिल्कुल हसीन। An elegant, exclusive and spacious banquet hall. Celebration Inn. Well-arranged catering services. Well-facilitated with tent and decorations. Balloon decorations. Latest DJ music and PA system. 4K still photography and video recording. All types of cultural and western entertainment events. And air-conditioned with deluxe guest rooms. Celebration Inn. अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार, वाओ, ऑसम, अमेजिंग। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेलिब्रेशन इन, अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी। संपर्क करें प्रगति नगर, बजरंग चौक, कदानी रोड, बारीटी, नियर मर्सी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। फोन 8521864285 9431328986। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं अनेक ज्योतिषी के पास गेछिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोनो साफल्य पाइनी। जब থেকে মাধব বাবুর কাছে গেছি তবে থেকে অনেক সাফল্য লাভ হয়েছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সবকিছু তো অনেক ঠিকঠাক, উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिले और सभी परेशानियों से निजात पाए। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680
9430715730, 9709052086. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में बसे फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित कर बसाने की योजना अब अधर में लटकती दिखाई दे रही है। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक स्थल का भी चयन कर लिया गया है, लेकिन इस स्थल के चयन के बाद भी अब तक यह योजना धरातल पर नहीं आ सकी है। इसके पूर्व नगर निगम द्वारा फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे भी कराया गया था, साथ ही इन दुकानदारों को सूचीबद्ध भी किया गया था। इतना ही नहीं, नगर निगम द्वारा चिन्हित किए गए फुटपाथी विक्रेताओं के पहचान पत्र निर्गत कर दिए गए थे, ताकि वेडिंग जोन योजना में बसाने में इन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन उदासीन रवैया के कारण विगत 2 साल पूर्व बनी यह योजना अब खटाई में पड़ गई है। सरकारी जमीन को वेडिंग जोन के लिए चिन्हित किया गया था। अंचलाधिकारी कार्यालय से इस संबंध में नगर निगम द्वारा कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा चिन्हित जमीन पर वेडिंग जोन के जमीन की कागजी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। 2 साल बीत जाने के बाद भी चिन्हित योजना स्थल का खाता संख्या अब तक निर्गत नहीं किया गया है। वहीं इस संबंध में नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय से पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद ही यह योजना आगे बढ़ेगी, जबकि नगर निगम और अंचल कार्यालय के बीच फंसी योजना अब धाराशाही होती दिख रही है। वहीं फुटपाथी दुकानदारों को बार बार अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाता है, जबकि इस योजना के सफल होने पर उन्हें भी अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक सुनिश्चित जगह मिल सकती थी। और हम लोग अपना ये है कि वो सीओ के यहाँ से वो चिन्हित करके वो दे दें, ठीक है। तो वो एडीसी सर ने भी सीओ को इंस्ट्रक्शन दिया है, तो वो मिल जाएगा हम लोग को। उसमें सर कुछ बाधा अड़चन आ रही अभी तक नहीं उतर पाया धरातल पर वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, वेंडिंग जोन के लिए वो जो है वो जमीन है ऑलरेडी चिन्हित है, उसका हमको सीओ से खाता नंबर प्लॉट नंबर चाहिए, दैट्स ऑल। उसमें हमको ये नहीं है कि वो तो है कि जो भी लगेगा वो दिन में लगेगा और फिर शाम में हट जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा जमशेदपुर में भी डीसी ऑफिस के सामने ही में वो एक एक, एक जगह है जहाँ वहां पर हम लोग ये किए थे, वो जब तक वहां दिन में लगता है फिर हट जाता है, रात में सब कंप्लीट चला जाता है। उसी तरह से अलग अलग जगह डिसाइड किया हुआ तो वही है। और इधर जमशेदपुर के परसुड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर रेल फाटक के पास स्थित बाबा तिलका मांझी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने के खिलाफ झामो के एक प्रतिनिधि मंडल ने परसुड़ी थाना में प्रदर्शन किया, साथ ही इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। बताया जाता है कि गोविंदपुर रेल फाटक के पास बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा है और बार बार उसे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इससे पूर्व भी यह घटना कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। झामो के एक प्रतिनिधि मंडल ने इसी मामले को लेकर परसुड़ी थाने में प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान इन्होंने कहा कि पुलिस उन असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करे, साथ ही जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है उसे भी अविलंब ठीक करवाया जाए। इस संबंध में इनके द्वारा एक लिखित आवेदन भी थाना प्रभारी को दी गई है। बड़ा बाबू परसुड़ी थाना को हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं। गोविंदपुर स्थित हमारे रेलवे फाटक का मामला है बाबा तिलका मांझी का, जो बार बार असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इनको हम लोग ने आज लिखित दिए हैं, आवेदन दिए हैं कि पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, प्रशासन इसमें जल्द ही एक्शन ले और जो भी दोषी है, जो भी असामाजिक तत्व है जिनकी इशारे पर इस तरह का काम हो रहा है, उनको चिन्हित कर उनके ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ी आंदोलन करेगी। इनके साथ साथ हमने बड़ा बाबू से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि जो भी हमारे पूर्ति का जो क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें अविलंब उनको बनाया जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हम लोग उनको भी सहयोग करेंगे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में निजी स्कूलों के मनमानी रवैये के खिलाफ शिक्षा सत्याग्रह के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के उपायुक्त से सोमवार को मुलाकात की गई तथा स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट की मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इन्हीं के द्वारा टेलको क्षेत्र के स्कूलों की मनमानी रवैयों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था और इसके तहत ही इन्होंने धरना भी दिया था। सोमवार को इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा इन स्कूलों के ऑडिट रिपोर्ट की मांग की। वहीं इस दौरान इन्होंने कहा कि टेलको क्षेत्र में स्कूलें जो चल रही है जिसमें टेलको कंपनी कर्मचारी के बच्चों और साधारण बच्चों से अलग अलग फीस वसूला जाता है,
वहीं साधारण बच्चों से स्कूल के द्वारा अलग अलग मद में लगातार मुद्रा दोहन भी किया जाता है और इस पर अगर कोई सवाल करता है तो उस पर स्कूल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करती है। इन्होंने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से इन स्कूलों की ऑडिट रिपोर्ट की मांग की है, साथ ही एक माह के भीतर इस पर कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है। शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार, शिक्षा में हो रहे व्यवसायीकरण और स्कूलों द्वारा की जा रही मनमर्जी के खिलाफ हम लोग आज उपायुक्त महोदय से मिले हैं और इनसे ऑडिट रिपोर्ट, हर स्कूल का ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने, स्कूलों में व्यवसायीकरण ना हो इसको लेकर के, नियमित रूप से किसी स्कूल में भेदभाव नहीं हो, जैसे टाटा मोटर्स कंपनी का एम्प्लॉय कोटा और नॉन एम्प्लॉय कोटा का अलग अलग जो है फीस वृद्धि है, इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर के हम लोग उपस्थित हुए हैं। उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे। और यहाँ आपको बता देंगे जमशेदपुर के जुगसलाई वासी अब 31 मार्च के पहले होल्डिंग टैक्स जमा अगर नहीं करते हैं तो मोटी रकम फाइन के तौर पर उन्हें देनी पड़ सकती है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अभी भी जुगसलाई क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना होल्डिंग टैक्स नहीं जमा किया है। होल्डिंग टैक्स जमा लेने का जिम्मा एस्पेरो ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी के कर्मचारी रितेश कुमार के अनुसार दो बार टैक्स जमा करने की तिथि को बढ़ा दी गई थी, पर इस बार 31 मार्च तक सभी जुगसलाई वासियों को होल्डिंग टैक्स जमा कर देना है। उनके अनुसार लगभग 4000 फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं जिन्होंने अपना टैक्स जमा कर दिया है, पर अब भी लगभग 3000 लोग बचे हुए हैं जिन्होंने अपना टैक्स जमा नहीं किया है। उनके अनुसार लगातार लोगों को इस संबंध में बताया जा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा है कि 31 मार्च तक अगर टैक्स नहीं जमा किया गया तो लोगों को फाइन भी देना पड़ेगा। अभी इसकी अंतिम तिथि इसकी दो बार बढ़ा चुकी है और अभी फिर से 31 मार्च इसको दिया गया लास्ट, और ये सितंबर से चल रहा है 17 सितंबर, और अभी तक टोटल लगभग 4000 फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं जिन्होंने अभी तक होल्डिंग टैक्स कटवा चुका है कम्प्लीटली, और अभी तक बचे हुए हैं कुछ लोग, 2900 के करीब कुछ लोग बचे हुए हैं और वो लोग सहायता हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग किसी जो भी हमारे टैक्स कलेक्टर है साथ में वो भी जा रहे हैं उनके पास में, फिर भी लोग जमा नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ आप आग्रह करना चाहते हैं? हम तो लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि अपना जो भी जल्द से जल्द इस चीज़ को करवा लें, क्योंकि आगे चलते इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ आपको बता दें कि कपाली स्थित संचालित कोरईसा इंग्लिश स्कूल के बाउंड्री को शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, साथ ही इनके द्वारा पढ़ाई में भी व्यवधान डाला जाता है। बताया जाता है कि यह इंग्लिश स्कूल 2003 से संचालित है, वहीं स्कूल के बाउंड्री को शरारती तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया है। यहां तक कि स्कूल प्रबंधक से रंगदारी की भी मांग की जाती है। रविवार की रात में स्कूल गेट पर ताला तक जड़ दिया गया, वहीं सोमवार को कपाली ओपी प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद वहां पहुंचकर ताला को तोड़वा दिए। उन्होंने बताया है कि स्कूल में चल रहे आपसी विवाद में तीसरा पक्ष बदमाशी कर रहा है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं स्कूल प्रबंधक महफूज आलम ने बताया है कि असुरक्षा के मद्देनजर बाउंड्री की गई थी जिसे शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि उनसे रंगदारी की भी मांग की जाती है। पार्टनर का मैंने कि जमीन है इसमें गया हुआ, और दोनों जो है कि की सहमति से इसको घेरना चाहिए था, लेकिन शायद उनसे बिना पूछे हुए किए हैं और उनको चढ़ा बढ़ा करके कोई थर्ड पर्सन है जो दोनों को लड़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। चूँकि कपाली एक ऐसा जगह है इसको भली भांति आप लोग जानते हैं, और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है और गारंटी की बात है तो इनको 100% श्योर किए हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम खोज के निकालेंगे कि कौन ऐसा किया है, और इन्होंने इस संबंध में कोई केस करने के लिए अभी तक आवेदन ना दिए हैं और ना कोई कार्रवाई। हम लोग बैठ करके इसको सिलेक्ट लेंगे आपस में, और बाकी जो होगा इस पर सारी चीज़ों पर मुझे नज़र है, चूँकि एक स्कूल चलाते हैं, इस पर ऐसे जगह पर पूर्ण रूप से हम लोग का मैंने इस पर क्या बोलते हैं इस पर नज़र है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में स्वर्ण वणिक समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन कर समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है।
बालाद्वारी में सुवर्ण वर्णिक समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के कई महिला एवं पुरुष उपस्थित हुए। वहीं संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए सनोज चंद्रा ने कहा है कि होली मिलन के बहाने हम समाज के लोगों को एक मंच पर लाकर उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम काफी पिछड़े हैं, इसलिए मंच के माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का आह्वान करेंगे। वहीं होली के बहाने हम सब एक दूसरे से मिलकर कुछ वक्त बिताते हैं ताकि समाज के लोग एकत्रित हो सके। ये होली मिलन समारोह एक सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण पर्व है, जो हमारे भुयाड़ी शाखा के नेतृत्व में पूरे जिला के लोग यहाँ उपस्थित हैं। वे तमाम पदाधिकारी एवं जिला एवं केंद्र से भी केंद्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सचिव भी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम सभी अपनी संगठन को विस्तृत एवं मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, जिस कारण से ये मिलन समारोह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज के लोगों को? लोगों के लिए हमारे शाखा की ओर से सभी को एकजुटता का संदेश है कि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर नहीं होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए। प्रभु, 5 वर्ष हो गए हमारी शादी को, पर हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमें एक संतान दे दो प्रभु। वत्स, मैंने मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद की रचना की है। वनस्पति औषधि से तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तुम प्रख्यात वैद्य जड़ी बूटी के विशेषज्ञ कैलाश महतो के शरण में जाओ। वह अपनी चमत्कारी औषधि द्वारा अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तथास्तु। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। सभी प्रकार के असाध्य रोगों का समाधान वैद्य कैलाश महतो का औषधीय ज्ञान। असंभव कुछ भी नहीं, असाध्य कुछ भी नहीं। कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित वैद्य रत्न कैलाश महतो, भरोसा और विश्वास भरा एक नाम वैद्यराज कैलाश महतो साथ ही साथ है। जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ श्रीमती दुर्गा महतो एवं युवा डॉक्टर अभिमन्यु महतो। पता: गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारिडी बाजार, जमशेदपुर, एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक्ची, जमशेदपुर। पापा पापा, मेरा तो नाम लॉटरी में नहीं निकला। हमारे बच्चे किसी लॉटरी का मोहताज क्यों? मैं कौन स्कूल में पढ़ूंगा? हम इन्हें पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में। जहां सुरक्षा की गारंटी हो, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण ICSE स्कूल हो, जिसके मूल में भारतीयता बसी हो। हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपके पास पढ़े। जहां पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले और अपनों जैसा व्यवहार मिले, जहां प्यार करने वाले हों और सबसे बड़ी बात, जहां हमें पूर्ण विश्वास हो। DSM स्कूल फॉर एक्सीलेंस कासीडी, एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है,
भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम दो बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707 और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहाँ आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहाँ आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार, आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा, जमशेदपुर। 0657-229-0093। हम लोग विगत वर्षों से मानगो को नगर निगम और मानगो को अंचल बनाने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे, जिसको सरकार के खिलाफ हमेशा पत्राचार किया। अंततः सरकार ने इस पर सुनवाई की और हमारे मानगो क्षेत्र को अंचल बनाया, हमारे मानगो क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा दिया गया। इसके लिए मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी, साथ ही साथ हमारे पार्टी के सुप्रीमो माननीय सुदेश कुमार महतो जी को मैं मानगो की जनता की तरफ से और अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने कम समय में हमारी आंदोलन पर सुनवाई करते हुए मानगो को नगर निगम बनाया, मानगो को अंचल बनाया और मानगो की जनता को तीसरे मत का अधिकार दिया। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद हुआ फिर से आपका स्वागत है। जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सोमवार को सरायकेला राजमहल पहुंचे, जहां कुछ देर के ठहराव के दौरान सरायकेला राजा प्रताप आदित्य सिंह देव तथा रानी अरुणिमा सिंह देव ने जगतगुरु की विधिवत पूजा अर्चना की। मौके पर मौजूद भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने जगतगुरु के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान लोगों में जगतगुरु के दर्शन की होड़ लगी रही। जगतगुरु शंकराचार्य ने हिंदुत्व की रक्षा हेतु प्रत्येक नगर में आध्यात्मिक उत्थान मंडल की शाखा की स्थापना करने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने सभी से इस शाखा में प्रत्येक सप्ताह या पक्ष में इकट्ठा होकर आध्यात्मिक चिंतन व अध्ययन करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से एकजुट होकर परस्पर सहयोग करने तथा दीन दुखियों की मदद व सेवा करने का भी आह्वान किया है। प्रत्येक नगर में आध्यात्मिक उत्थान मंडल की शाखा स्थापित है और प्रत्येक सप्ताह या पक्ष में लोग उसमें बैठे और बैठकर कुछ थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें, अच्छी ग्रंथ का अध्ययन करें, परस्पर एक दूसरे की सहायता करें, उस रथ में। और अब बात करेंगे पोटका की। जी हां, पोटका के 184 स्कूल को दूसरे विद्यालय में विलय करने को लेकर 184 स्कूल के प्रबंध समिति के अध्यक्ष पोटका प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विरोध जता रहे थे और वीडियो के माध्यम से उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि 184 स्कूल को विलय नहीं किया जाए ताकि गांव के बच्चों को दूर न जाना पड़े। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव निखिल मंडल का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। वहीं स्कूल के प्रबंध समिति के अध्यक्ष का कहना है कि जिसने पहले स्कूल खोला था उस पर कार्रवाई हो, न कि स्कूल बंद किया जाए। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव है कि 184 विद्यालय को कोटका प्रखंड से बंद कर रहा है। इसमें काफी कठिनाइयां है, सारा कठिनाइयों को लिखते हुए बीडीओ साहब से तमाम ग्राम शिक्षा में प्रबंधन समिति का अध्यक्ष लोग मिले और ज्ञापन सौंपे उपायुक्त के नाम पर। उसमें सारा चीज, यहां का जो कठिनाइयां है सारा चीज लिखित है। पहला बात है 184 स्कूल बंद करने का प्रस्ताव है, 15 विद्यालय बंद हो चुका है, 200 विद्यालय बंद हो जाएगा, 363 स्कूल है, 200 विद्यालय अगर बंद हो जाता है तो 163 बचेगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 14 में बस्ती की समस्याओं को लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री मौलाना अंसार खान ने स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की। बताया जाता है कि जवाहर नगर रोड नंबर 14 में सरकारी चापाकल खराब पड़े हुए हैं, जिसके कारण पानी की किल्लत बढ़ गई है। वहीं बस्ती में गंदगी का भी अंबार लगा है। इधर इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री मौलाना अंसार खान ने स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ की समस्याओं को लेकर पार्टी स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। संकल्प लेना है कि एक-एक प्रकारें झारखंड से उखाड़ फेंकना है दूसरे पार्टी को। काफी लोगों की तादाद में लोग आए हुए हैं, बस्ती वासी जितनी भी बस्ती के हैं, 14 नंबर के हैं, जवाहर नगर 13 नंबर के हैं। तो आपस में हम लोग एक डिस्कस किया गया, एक मीटिंग किया गया कि यहाँ हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ हमने एक आज मैंने भी राउंड मारा मॉर्निंग में, तो ये चीज़ देखा जो नल लगे हुए हैं पुराने, तो नल ख़राब हो चुके हैं, हमको ठीक कराने वाला कोई नहीं है। नाले पूरे भर चुके हैं, उसकी सफाई के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा तार झूले हुए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तार भी, तार ये क्या हाल है, तार बिजली का क्या हाल है, कंडीशन है इस मानगो क्षेत्र की। तो आज हम लोग एक मीटिंग भी हुआ है, आज मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छे लोगों का साथ मिला। और कल से हम लोग हर गली गली में, हर घर घर में जाएंगे, उनकी क्या समस्या आएंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री द्वारा 86 बस्ती मामले पर दिए गए बयान के मद्देनजर झामिमो ने साक्षी गुलचक्कर पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। 86 बस्ती मालिकाना हक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान के विरोध में झामिमो महानगर कमेटी ने रविवार को साक्षी गुलचक्कर पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इधर महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बयान आता है 86 बस्ती पर, लेकिन मालिकाना हक उनका कभी चुनावी मुद्दा नहीं रहा है, लेकिन 86 बस्ती के मुद्दे पर ही क्षेत्र की जनता ने पिछले 20 सालों से उन पर विश्वास जताया है। माननीय रघुवर दास जी का जो अखबार के माध्यम से जो बयान प्रकाश में आया है, उसकी कड़ी निंदा करते हुए आज पुतला दहन किया जा रहा है। जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, जो हमारी 86 बस्ती का चुनावी मुद्दा कभी रहा ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री से, जून 1995 से लगातार विधायक बनते हुए आए हैं, और ज्वलंत मुद्दा जो रहा है वो एकमात्र रहा है 86 बस्ती का मालिकाना देंगे। उन्होंने विगत 2014 के चुनाव में भी स्पष्ट रूप से कहा था, एक बार और मौका दीजिए यहाँ की जनता से और हम आपको 3 महीने के अंदर मालिकाना देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री साहब से जो वह बयान का क्या होगा। और यहाँ आपको बता दें कि किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा से विवादों में रहने वाला पोटका प्रखंड मुख्यालय में अब सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, जिसके कारण अब वहाँ के कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रखंड के कर्मचारी और पदाधिकारी अपनी सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिए थे। वहीं जब से सीसीटीवी कैमरा लगा है, तब से बिचौलियों और असामाजिक तत्वों के लोग प्रखंड मुख्यालय में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं वीडियो ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगने से उन्हें काफी फायदा हुआ है और वे लोग अपने आप को काफी सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया गया है ताकि जो हमारे प्रखंड और अंचल के कर्मी हैं वे अपना कार्य सुचारू ढंग से कर सके, और आए दिन जो लोग कुछ असामाजिक तत्व के लोग आके प्रखंड और अंचल में
व्यवधान उत्पन्न करते थे उन पर अंकुश लगे। साथ ही साथ इससे यह भी है कि पूरे प्रखंड परिषद की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और यह भी देखा जा रहा है कि कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बाकी सभी कर्मी क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखती है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में दिखी राजनीति, नए प्रधान आए विवादों के घेरे में। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के जीत के कर्णधार अर्जुन मुंडा का किया गया स्वागत। विधायक साधुचरण महतो मारपीट मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की गई मांग। और मिशन 2022 तक केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए किया गया मंथन। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।